अब देखिए, एक चैनल आता है सोनी लाइव करके, उस पर क्या दिखा रहा है, उस पर महारानी पिक्चर थी दिखा रहा है, वेब सीरीज बना दिया महारानी। और किस पे आधारित है, क्या आधारित है, बिना तथ्य जाने हुए, बिना सच्चाई जाने हुए ये सब चाल रहता है भगवा पार्टियों का, आरएसएसियों का। हम जब बोलते हैं तो बहुत सारे लोग हंसने का काम करते हैं, मेरा मजाक उड़ाने का काम करते हैं। पिताजी भी जब बोलते थे तो बहुत सारे लोग, जो विरोधी लोग जो थे, सब मजाक उड़ाने का काम करते थे कि गांव पे भैंस चराने वाला, सूअर चराने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला यहाँ पे नेता बना हुआ है, तो बहुत सारे लोग निशाना साधने का काम करते थे। तो उनकी जो विचारधारा है आदरणीय पिताजी की, और पिताजी के सुनने का काम कर रहे हैं लगातार। अभी हम आ रहे थे तो हमको थोड़ा सा लेट हो गया पूजा पाठ करने में, तो पिताजी बोले कि तुम अभी कर क्या रहो यहाँ पर, तुम जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तब हम आए जल्दी हड़बड़ा करके, आप आए तेजस्वी जी हमसे पहले बाजी मार के आज सीट पर बैठने का काम किया, क्योंकि हम तो लगातार पार्टी कार्यालय आते हैं, तेजस्वी जी को तो उतना मौका मिलता नहीं है, क्योंकि पूरा देश दुनिया में बिजी रहते हैं तेजस्वी जी। जब तेजस्वी जी दिल्ली चले जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं विरोधी लोग, मजाक तड़ा तड़ा का उड़ाने का काम करते हैं, तो हम आकर के मोर्चा संभाल लेते हैं। जब हम वृंदावन मथुरा चल जाते हैं तो तेजस्वी जी मोर्चा संभाल लेते हैं। पार्टी की 25वां स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के जितने नेतागण हैं, तमाम लोगों में शुभकामना देने का काम करता हूँ, और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता महिलाएं, तमाम लोगों को मैं यहाँ पर दूर दूर से आए तमाम लोगों को मैं यहाँ पर स्वागत करने का भी काम करता हूँ, और धन्यवाद देने का काम करता हूँ कि 25वां स्थापना दिवस के मौके पर आप लोगों ने पधारने का काम किया। और इस मौके पर जब से स्थापना हुई पार्टी की, उस समय तो हम लोग बहुत बच्चे थे, हम लोग को तो होश भी नहीं था कि पार्टी क्या होता है, संगठन क्या होता है। हम लोगों ने कर्पूरी जी का, लोहिया जी का, जब धीरे धीरे उम्र बढ़ा, जब स्कूल में आए, कॉलेज में आए, तब हम लोगों को ज्ञान हुआ कि पार्टी पॉलिटिक्स भी होता है। और तमाम पिताजी ने भी शुरुआत किया छात्र जीवन से, और हम लोगों ने भी छात्र जीवन से, तमाम लोग भी जितने सीनियर नेता यहाँ उपस्थित है, तमाम लोग छात्र जीवन से ही उपज होकर के यहाँ तक पहुँचने का काम किए हैं, और आगे भी छात्र का जो एक जिम्मेवारी होता है, जो देश को और उज्जवल भविष्य का आगे बढ़ाने में उसका अहम भूमिका होता है, पहले छात्र बनता है, पहले फैक्ट्री में प्रोडक्ट तैयार होता है, और उसी फैक्ट्री से जब प्रोडक्ट जब तैयार हो जाता है तब वो जाता है सब जगह। तो प्रोडक्ट में बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है कि डिमेरिट भी आ जाता है प्रोडक्ट में, तो कुछ जब प्रोडक्ट में जब कस्टमर को जब पता चल जाता है, जब पब्लिक को पता चल जाता है कि इस चीज़ में डिमेरिट है, तो इसको पूरे तरीके से नकारने का भी काम करता है। तो लेकिन जो है हमारा और पिताजी का और पूरे आप लोग जितने राष्ट्रीय जनता दल परिवार और तेजस्वी लगातार पूरे तरीके से अपने तरीके से मेहनत करने का काम कर रहा है। हमको यहाँ पे आदरणीय पिताजी के विचारधारा को हमने फॉलो करने का काम किया लगातार, और पिताजी ने छात्र जीवन से शुरुआत किया तो हमने अपना दाखिला करा, एडमिशन करवाया बीएन कॉलेज में। बीएन कॉलेज में जिस क्लासरूम में हमारे पिताजी बैठते थे उसी क्लासरूम में और उसी बेंच पे हमने बैठने का काम किया, और वहाँ से भी पूरा लगातार छात्रों का आंदोलन का, और जिस तरीके से अभी जो हमारा भारत कोरोना काल में भी जिस तरीके से जूझने का काम किया, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने कितने लोग होंगे यहाँ पर जो वैक्सीन लगवाए हैं, नहीं लगवाए, हमने तो वैक्सीन लगवा लिया, और दूसरा डोज हमारा बाकी है, अभी 22 तारीख को हमारा वैक्सीन लेने का। तो संगठन में उतार चढ़ाव होता रहता है,
और संगठन बहुत बड़ा समुद्र होता है संगठन, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को मनाना भी पड़ता है। तो संगठन में सब लोगों को लेकर के चलने का आपको काम करना है, और आगे जो जिम्मेवारी आदरणीय पिताजी के बदौलत जो आपको मिला है उसको निभाने का काम करना है। हम जब बोलते हैं तो बहुत सारे लोग हंसने का काम करते हैं, मेरा मजाक उड़ाने का काम करते हैं। पिताजी भी जब बोलते थे तो बहुत सारे लोग जो विरोधी लोग जो थे सब मजाक उड़ाने का काम करते थे कि गांव पे भैंस चराने वाला, सूअर चराने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला यहाँ पे नेता बना हुआ है, तो बहुत सारे लोग निशाना साधने का काम करते थे। तो उनकी जो विचारधारा है आदरणीय पिताजी की, और पिताजी भी सुनने का काम कर रहे हैं, और लगातार अभी हम आ रहे थे तो हमको थोड़ा सा लेट हो गया पूजा पाठ करने में, तो पिताजी बोले कि तुम अभी कर क्या रहो यहाँ पे, तुम जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तब हम आए जल्दी हड़बड़ा करके यहाँ पे आए, तेजस्वी जी हमसे पहले बाजी मार के आज सीट पर बैठने का काम किया, और तेजस्वी जी को भी बोलना है तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। और कि जो हम हमेशा जब यहाँ मंच पे आते हैं तब कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट जैसे पिताजी करने का काम करते थे, मनोरंजन भी हो जाता था लोग का, काम भी हो जाता था, तो उस तरीके का भी काम हम करने का काम करते हैं। लेकिन संगठन में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि संगठन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, उनका नाम नहीं लेना चाहते। जब हम बोलने का सच्चाई सामने बोलने का काम करते तो इसी तरह का सवाल होता है। सच्चाई लोग नहीं सुनना चाहे, क्यों? क्योंकि सच्चाई जो होता है कड़वा होता है, लेकिन सत्य में वो जयते, सत्य की जीत होती है। अब सिक्का पे देखिएगा, इसलिए तेजस्वी के नेतृत्व में तमाम लोगों को चलने का काम करना है। देखिए इशारे उशारे में हम बहुत सारा बात बोल गए होंगे, समझने वाला समझ गया होगा, समझने वाला समझ गया होगा। और जिन लोगों को अब जैसे महिलाएं हैं आगे हैं, तो बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आई, बोली कि वहाँ पार्टी कार्यालय में सर बैठने का जगह नहीं है महिलाओं को, तो महिलाओं के लिए फिर से कार्यकर्ता हो गए। अब जैसे आवाज़ नहीं आ रहा तो सुनाई कैसे दे रहा है, तो संगठन में क्योंकि हम तो लगातार पार्टी कार्यालय आते हैं, तेजस्वी जी को तो उतना मौका मिलता नहीं है कि पूरा देश दुनिया में बिजी रहते हैं तेजस्वी जी। जब तेजस्वी जी दिल्ली चले जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं विरोधी लोग मजाक तड़ा का उड़ाने का काम करते हैं, तो हम आकर के मोर्चा संभाल लेते हैं। जब हम वृंदावन मथुरा चल जाते हैं तो तेजस्वी जी मोर्चा संभाल लेते हैं। तो ये संगठन जो है राष्ट्रीय जनता दल परिवार, एक ही संगठन है जो कि कोरोना काल में भी हमने घूमने का काम किया, चारों तरफ अस्पतालों का निरीक्षण करने का काम किया। सबसे बिहार में अगर घटिया अस्पताल है, सबसे महारद्दी अगर अस्पताल है तो वह है दरभंगा का अस्पताल। दरभंगा के अस्पताल में इतना डाढ़ भर का पानी पूरा जमा हुआ था, हम वहाँ एक मिनट खड़ा नहीं हो पाए, और आदमी का जो मुड़ी है पूरा खुल करके रखा हुआ था। बताइए ये स्थिति है बिहार सरकार का, स्वास्थ्य का जो स्थिति है पूरे तरीके से सुशासन है, और तानाशाह की तरह जिस तरीके से शासन हो रहा है। और इसमें भी हम लोग जीते हुए थे, हम लोग का बढ़िया सीट भी आया था, हम लोग ने तेजस्वी जी ने बाजी मारने का काम किया था। लेकिन कुछ लोग जो है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कि अपने लोग, कुछ लोग जो हैं जो लोग सुन रहे होंगे वो यहाँ उपस्थित नहीं होंगे, वो जान रहे होंगे कि तेजस्वी यहाँ आ गया है, उनका दाल नहीं गलेगा। तो टीवी या चैनल के माध्यम से जिनको सुनने का काम करना वो सुन रहे होंगे। बहुत सारे लोग तरह तरह का बात, हाँ ठीक है, अब देखिए अभी आगे डिस्टर्ब करने के लिए, तो बहुत सारे लोग को खराब लगता है, खैर इस सब चीज़ पे हम पीछे कौन भौंक रहा, कौन क्या बोल रहा, उस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। जो स्पष्ट, जो हमारा क्लियर है सामाजिक न्याय के विचारधारा को, जो गरीब व्यक्ति है
जो मजदूरा है, जो लेबर क्लास का जो लोग है, उसको हमको आगे कैसे लाना है, उसके लिए हमको ये चोला मिला है। और जो उसके लिए संघर्ष नहीं करेगा, ये चोला पहनने का उसको अधिकार नहीं। तब गरीब जनता को और सामाजिक न्याय का सेवाही समर्पण और अपने वचन पर अर्पण, वो जो पिताजी के जो तस्वीर में आप देख रहे हैं उसमें लिखा है सेवा समर्पण और अपने वचन पर अर्पण, यही जन नेता का कर्म और जन सेवक का मात्र धर्म है। इंसान का गौत्र, जाति और धर्म सिर्फ इंसानियत होना चाहिए। तो इंसानियत, अगर हम इंसान धर्म बनाने का काम करेंगे तो लड़ाई झगड़ा जितना ये लोग जो आरएसएस वाले, हाफ पैंट वाले, भगवाधारी जितने लोग हैं, ये सब जो लड़वाने का काम करते हैं, हाफ पैंट पहन करके लड़वाने का, हिंदू मुस्लिम करवाने का काम करते हैं, तो एकमात्र में यही जो वो जो सामने जो लिखा पिताजी के सामने, वही एक देश दुनिया को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम हो सकता है। तो इसलिए आज थोड़ा सा हमको खराब इसलिए लग रहा है कि हमारी महिलाएं नीचे बैठी हुई हैं, महिलाओं को ऊपर होना चाहिए था। हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बहुत सारी महिलाओं का आप लोगों का डिमांड नहीं है, आप लोग जो आप बोली थी ना जी, आपका डिमांड था ना कि पार्टी कार्यालय में हम लोग को बैठने का जगह नहीं मिल पा रहा, तो आप बोलती क्या नहीं है, सामने बोलना ना चाहिए आप लोगों, तमाम लोग का है। ठीक है बैठिए। अब जैसे कि छोटा छोटा कुछ डिमांड है, क्योंकि संगठन है, अब बहुत लोगों का डिमांड होता है कि संगठन को जब तक हम अपना हथियार से लैस नहीं होंगे, हम अपना मजबूती को नहीं पकड़े रहेंगे, तब तक हम आगे दुश्मन से नहीं लड़ने का। यहाँ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी को जिम्मेवारी अगर मिली तो जिम्मेवारी को निभाना चाहिए पूरे तरीके से। बहुत सारे लोग होते हैं कि हमें जिम्मेवारी को छोड़ देते हैं, अब फालतू का कार्यालय में यहाँ बैठे रहते हैं, बीच में नहीं जाते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते। अब कोरोना काल में हम घूमने का काम किए, तेजस्वी जी का लगातार हमको सहयोग मिला, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि छात्र नौजवानों को इस्तेमाल करना जानते हैं। छात्र नौजवानों को इस्तेमाल मत कीजिए, छात्र नौजवान जो है, आप लोग जितने नौजवान हैं, आगे का भविष्य है, जितने नौजवान आगे बढ़ने का काम करेंगे, देश दुनिया को सींचने का काम करेंगे, तो थोड़ा सा होता है कि लोगों को दुखी भी हो जाता है। बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, लगातार हमको फ़ोन करते हैं, तो उनकी बात को हम रखने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए तेजस्वी जी को अब बोलना है, इसलिए स्थापना दिवस पे आप लोग महान कार्यकर्ता जो यहाँ पे आने का काम किए हैं, मैं आप लोगों को आदाब सलाम और प्रणाम करने का काम करता हूँ। क्योंकि पार्टी का जो रीढ़ होता है, वो जो पीछे का जो रीढ़ होता है, वो कार्यकर्ता होता है। तो इसलिए अगर पार्टी का जो रीढ़ है, जो कार्यकर्ता है, बहुत सारे लोग बीमार भी हो जाते हैं जब कमेटी बनाई जाती है। अब बहुत सारे लोग जब बीमार हो जाते हैं, जब कमेटी बनाई जाती है, तो उस पर लोग फोकस नहीं करते हैं। अब आधा अस्पताल में आप देखिए कि आधा अस्पताल में हमारे क्षेत्र के हसनपुर के एक व्यक्ति एडमिट हुए। पार्टी के कई एक लोगों को हमने फोन भी किया था, उसमें हम बाहर थे, तो किसी ने फोन का रिस्पॉन्स नहीं करने का काम किया, खासकर मेरा फोन का, क्योंकि जो होता है डंके की चोट पे, मैं मुंह पे बोलने वाला हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, मैं केवल भगवान से डरता हूँ और भगवान के सामने मैं। तो इसलिए हम लगातार आधा रात में, फिर जब मैं यहाँ आया तब 12-1 बज गया था, मैं आधा रात में मैं गया था, ये जो टाटा जो अवार्ड है PMCH के बगल में, वहाँ का स्थिति इतना घटिया है कि डेड बॉडी को ऐसे ही लेटाया हुआ है, आप जा करके देख लीजिए कभी आधा रात में। हम जब मंत्री थे तो आधा आधा रात में, होली के दिन भी सब मौज मस्ती कर रहे, उस दिन भी जाकर निरीक्षण कर लिया हम, लगातार घूमने का हम काम किए लोगों के बीच में। तो इसलिए संगठन को पूरे तरीके से जो जिम्मेवारी मिला है, जो पिताजी का जो विचारधारा है, जो कर्पूरी जी का विचारधारा है, जो जयप्रकाश नारायण जी का जो विचारधारा है, उसको हम लोगों को आगे ले जाने का काम करना है। अब देखिए कि एक चैनल आता है सोनी लाइव करके, उस पर क्या दिखा रहा है, उस पर महारानी पिक्चर थी दिखा रहा है, वेब सीरीज बना दिया महारानी।
और किस पे आधारित है, क्या आधारित है, बिना तथ्य जाने हुए, बिना सच्चाई जाने हुए ये सब चाल रहता है भगवा पार्टियों का, RSSियों का, अब बहुत तरीके का। अब यहाँ पे बहुत सारे वक्ता हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, सब अपना अपना बात को रखने का काम करते हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कोई भी आदमी अगर बीमार हो, अस्पताल जाना है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि एक जिम्मेवारी दीजिए। और तेजस्वी जी को हम भी ये कहना चाहते हैं कि कमिटी, जितना भी जिले अध्यक्ष हैं, चाहे हमारा छात्र का हो, युवा का हो या मेन विंग का हो, एक जिला अध्यक्ष को जिम्मेवारी दे दे और उनके लिए एक गाड़ी रखे। आप तो जानते हैं कि बिहार सरकार में जब अगर मान लीजिए कि अस्पताल में एम्बुलेंस अगर कहीं भेजना है तो एम्बुलेंस नहीं जा पाता है, अगर जिलाध्यक्ष का आधार आप में ड्यूटी दे दिया जाए कि उसको तुमको ले करके आ जाना है यहाँ पर, तो इससे एक मैसेज आएगा। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, बहुत लोग को अगर इस बात से अगर सहमत है तो हाथ उठा सकते हैं, अगर जितने लोग आप लोग सहमत हैं तो आप लोग सहमत, लगता है कि जगतानंद अंकल हमसे नाराज हैं, हाथ नहीं उठाएं। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेटी में भी हैं कि सब लोग तो जानता है कि हम लालू यादव के लक्षण पर चलते हैं, और सब लोग बहुत सारा विरोधी भी बोलता है कि यही दूसरा लालू यादव, यही दूसरा लालू यादव, और लालू जी से सब तो डरता भी था, अभी भी डरता है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।